दिल कहता है तुमसे मिल उठते रुक जाते हैं, को कभी समझा हम दिल को कभी। सो हे गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि कैसे आप इस प्रकार की स्टेटस वीडियो को बना सकते हो। तो इस टाइप की स्टेटस वीडियो को बनाना बहुत ज़्यादा इजी है। तो इसको बनाने के लिए जो है आपको इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखना है, एंड अगर आप चैनल पे नए आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। व्यूअर, सबसे पहले आप लोग को वीडियो बनाने के लिए VN एप्लीकेशन को ओपन करना है। अगर आप लोग के पास VN एप्लीकेशन नहीं है तो आप इसे प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हो। एंड ऐप को ओपन करने के बाद आप लोग को प्लस पे टैप करना है, न्यू प्रोजेक्ट पे आप लोग को क्लिक करना है, एंड अपनी गैलरी से उस फोटो को सिलेक्ट करना है जिस फोटो से आप वीडियो बनाना चाहते हो। तो मैं उस फोटो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। फोटो को सिलेक्ट करने के बाद आपको इस टाइप से ऐसे आगे आ जाना है, एंड ये ब्लैक वाला वाटर मार्क जो है इसको डिलीट कर देना है, एंड फोटो के लेयर पर टैप करना है, एंड इसकी ड्यूरेशन को थोड़ा सा बढ़ा लेना है। अब इसे 28 सेकंड तक कर लेना, तो मैं 28 सेकंड तक कर लेता हूँ। इतना करने के बाद आप लोग को ऐसे फर्स्ट पे आ जाना है, एंड आपको ऊपर ओरिजिनल पे टैप करना है, एंड इसकी रेशियो को आप लोग को 9:16 सिलेक्ट कर लेना है। एंड उसके बाद आप लोग को फोटो के लेयर पे टैप करना है, एंड अपने फोटो को इस टाइप से ऐसे जूम करके एडजस्ट कर लेना है। एंड उसके बाद आप लोग को की फ्रेम को सिलेक्ट करना है, प्लस यहाँ पर ऐड करना है, एंड उसके बाद अपनी फोटो पे आप लोग को 0.15 सेकेंड ऐसे आगे आ जाना है। एंड अपनी फोटो को जो है इस टाइप से आप लोग को ऐसे स्लाइड करना है जिस तरह से मैं कर रहा हूँ। एंड उसके बाद आप लोग को 0.30 सेकेंड आगे आना है। एंड उसके बाद आप लोग को इस फोटो को दूसरे साइड ऐसे आप लोग को ले जाना है स्लाइड करके, ठीक है। उसके बाद आप लोग को फोटो के लास्ट पे आ जाना है, एंड आप लोग को यहाँ पे एक प्लस को ऐड करना है, एंड उसके बाद आप लोग को फोटो के मिडल पे चले आना है, एंड फोटो को दूसरे साइड आप लोग को स्लाइड कर देना है। एंड उसके बाद फोटो के फर्स्ट पे आना है, एंड यहाँ पे आप लोग को एक ब्लैक शेडो को ऐड करना है। तो ब्लैक शेडो को ऐड करने के लिए आप लोग को थर्ड वाले पे क्लिक करना है, वीडियोज़ और फोटोज़ पे जाना है, एंड अपनी गैलरी से ब्लैक शेडो को ऐड कर लेना, एंड इस ब्लैक शेडो का डाउनलोड लिंक जो होगा आप लोगों को मेरे डिस्क्रिप्शन चैन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। ब्लैक शेडो को ऐड करने के बाद आप लोग इस टाइप से इसको ऐसे इस तरह से बड़ा कर लेना है, एंड अपने अकॉर्डिंग इस टाइप से बड़ा करके इसको नीचे ऐसे एडजस्ट कर लेना है। एंड उसके बाद हम लोग को इसमें एक लिरिक्स वीडियो को ऐड करना है। तो लिरिक्स वीडियो को ऐड करने के लिए थर्ड पे क्लिक करना है, वीडियोज़ फोटोज़ पे जाना है, एंड अपनी गैलरी से लिरिक्स वीडियो को आप लोग को सिलेक्ट कर लेना है, एंड इस लिरिक्स वीडियो का डाउनलोड लिंक जो होगा आप लोग को मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लेना। एंड इसको इस टाइप से आप लोग को बड़ा करना है, एंड इसको ऐसे नीचे स्लाइड कर लेना है। एंड इसको ब्लैक स्क्रीन को हटाने के लिए आपको एक काम करना है, आपको नीचे टूल को ऐसे स्लाइड करना है, एंड आपको जाना है ब्लेंडिंग पे, एंड यहाँ से आप लोग को स्क्रीन को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप लोग को ये वाला जो लेंथ है नीचे वाला, उसको आपको पूरे वीडियो तक आप लोग को एंड कर लेना है। इतना करने के बाद आपको फर्स्ट में आना है, एंड यहाँ पे आपको एक टेम्पलेट वीडियो को ऐड करना है। तो टेम्पलेट वीडियो को आप लोग को ऐड करने के लिए थर्ड वाले पे क्लिक करना है, वीडियोज और फोटोज पे क्लिक करना है, एंड यहाँ पे आप लोग टेम्पलेट वीडियो को ऐड कर लेना। तो मैं फटाफट से टेम्पलेट वीडियो को ऐड कर लेता हूँ, एंड वीडियो को ऐड करने के बाद आप लोगों को टूल को ऐसे स्लाइड करना है, एंड यहाँ पे आप लोगों को फिल को सिलेक्ट करना है, एंड उसके बाद आप लोगों को ब्लेंडिंग पे जाना है, एंड यहाँ पे आप लोगों को स्क्रीन सिलेक्ट कर लेना है। एंड उसके बाद आप लोगों को ऐसे इस टाइप से आगे आ जाना है, एंड देख लेना है कि आपका जो सारा लेयर है वीडियो के एंड तक है कि नहीं। तो उसके बाद आप लोग का वीडियो बन के रेडी हो जाएगा, एंड इस वीडियो में मैं जितने भी मटेरियल का यूज़ करूँगा सभी मटेरियल का लिंक जो होगा आप लोग को मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग वहां से डाउनलोड कर लेना। तो मैं दिखा देता हूं कि आप लोग का वीडियो कैसे बना है। एंड इसको गैलरी में सेव करने के लिए आपको ऊपर
नीले एरो के ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है एंड उसके बाद आप लोगों को एक्सपोर्ट में क्लिक कर देना। इतना करने के बाद जो आप लोगों का वीडियो बन के रेडी हो जाएगा। सो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आज का ये जो वीडियो है आप लोगों को पसंद आया होगा। सो वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अब मिलते हैं किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड लव यू ऑल।